हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, राम राम। जस्ट 1 मिनट। हाँ जी, नमस्कार स्पर्श टू यू टू। हाय अनिकेत, हेलो। हाय प्रियंका, गुड इवनिंग वैष्णवी। हाय, हेलो अनुराग, सुष्मिता, प्राची, सबको बहुत बहुत सारा सत श्री अकाल, सबको नमस्कार, राम राम, सबको बाबुल के घर से ढेर सारा प्यार। गुड इवनिंग मीनाक्षी, गुड इवनिंग। हे अंकी, कोई रह तो नहीं गया? अरे मानसी, गुड इवनिंग आपको भी। हाय हर्षा। ओके, महफिल जम गई है, काफी लोग आ गए हैं। आज का टॉपिक रहेगा अपना, सारे टाइप्स नहीं डिस्कस करेंगे, सारे टाइप्स कल डिस्कस करेंगे 1 PM ऑन यूट्यूब। आज डिस्कस करेंगे कोई एक पर्टिकुलर टाइप, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन छोटा मोटा सा, और फिर एक पैसेज सॉल्व करेंगे। अब उसके बाद करेंगे, पहले करेंगे वो भी एजेंडा देख लेंगे, ठीक है? सो अपना एजेंडा ये रहेगा आज का। और हम अब थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाएंगे। अभी तक तो हम कह रहे थे कि गिर लो, कोई बात नहीं, लेकिन रुकना नहीं है। फिर हमने कहा गिरना भी नहीं है, रुकना भी नहीं है, और गिरना भी नहीं है। फिर हमने कहा कि बस अब थोड़ा सा और सीरियस हो जाते हैं, है ना? अब थोड़ा सा और सीरियस हो जाते हैं। हाँ जी, जस्ट अ सेकेंड। ये किसने भेजे थे सारे नूब? हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जीते रहो पुत्र जी, जीते रहो, जीते रहो। हाँ, स्वेट मोर इफ यू चूज टू ब्लीड लेस। समझ में नहीं आया ये, जिसने मेरे को नूब भेजा उसको समझ में नहीं आया, क्योंकि अभी तक तो मैंने उनको समझाया नहीं। क्या मतलब है इस बात का? किसले को बिल्कुल आ गया, मेरे को एक्सपेक्टेशन भी है किसले आपसे आपको आएगा। गुड इवनिंग नुपुर, गुड इवनिंग। हाँ ये बताओ पहले, ये नूब किसने भेजे, जबकि पता है तुम लोग को मुझे पसंद नहीं है। गरिमा भी आ गई, चलो सुहेल आ गई, आ गया मंथन, आ गया, ठीक है, डन। बड़े जिंदगी में आगे। अच्छा, क्यों भेजे? तो गलत बात करता है किसले। हाँ, चलो। सो आज खूब सारी मेहनत करेंगे, हाँ, जिससे कल वो मेहनत ना करनी पड़े जो हम नहीं करना चाहते, है ना? चलो, so this is our revision batch. Usually it goes on at 1 o'clock on YouTube every day, and then we have few sessions on Unacademy app also, which are special classes, which are free classes. Usually we have these classes at 5 o'clock. Hi Akanksha, मजे ले लो तुम लोग। हाँ किसले, love when you say I hate this। हाँ ये काम करने तुमको। हाँ चलो, आज का टॉपिक ये रहेगा। सो यूजुअली वी गोना बी टॉकिंग नाउ अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस। आज हम कोई एक टॉपिक उठाएंगे, एक टाइप उठाएंगे, और उसी टाइप का प्रीवियस ईयर पैसेज करेंगे। एजेंडा क्लियर? पसंद आया? हाँ करो, बोलो। ये एजेंडा रहेगा अपना आज का। मेरी आवाज कट हो रही, प्रियंका सेज वॉइस कट हो रही है आपकी, इज इट सो? नो सर, क्लियर? ओके, सो बेटा आपको नो ऑडियो वीडियो इशू ना? हाँ ठीक है। तो बेटा आप देखो, जिसने कहा मेरे को देखा नहीं, मैंने एकदम से प्रियंका। हाँ प्रियंका, चेक करो बेटा ऑन योर इन एट योर साइड। हाय प्रगति, हाय, गुड आफ्टरनून, गुड गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, सो ये एजेंडा है अपना। ओके, शुभ शाम आपको भी बेटा जी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस आर देयर नाउ, वेरियस सब्जेक्ट्स बेसिकली। सो आउट ऑफ ऑल दीज सब्जेक्ट्स, वी गोना बी पिक अप वन सब्जेक्ट टुडे एंड विल पिक अप अ प्रीवियस ईयर पैसेज बेस्ड ऑन दैट सब्जेक्ट, डन? Now, this is my small introduction. I'm Gaurav Sharma, and rest of the details are written here. Yes, one thing I would like to say that I'm a published author, and apart from my chisel fellow fiction, I've been writing for more than a decade now for different magazines and journals and everything. So I understand, okay? I might not sound like one, but yes, I understand a lot about, you know, how authors think, how do they, you know, come up with their ideas and everything. Hi, Baba. You want me to call you Baba? That's your name, right? You told me earlier as well. ये देखो यहाँ पे बहनापा हो रहा है। हाय बहन, हाँ आपस में हाय हेलो चल रहा तुम्हारा। चलो चलो चलो, सो बढ़े आगे। बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट आवर आरसीज एंड एवरीथिंग, लेट अस टेक अ मिनट एंड से थैंक यू टू अन अकेडमी, वेयर वी टॉक अबाउट, वेयर वी एक्चुअली यू नो फील थैंकफुल फॉर अन अकेडमी, टू अन अकेडमी रादर। There will be all a meeting. We can have these special classes. We can have those classes on YouTube. And still, I would suggest that guys do go for your structured preparation. You still have time. And those who are looking for CAT 22, तब तो सोचो ही मत। जितना हो सके go for long term. Long term is always cost effective, and you can use my code DSMBA for 10% additional benefit.
this additional benefit will make it more cost effective. Okay, hey Kritika, hi Sanchit. When you pick up your Plus subscription, you can look into this, whether you know, go for 6 months, 12 months, 24 months, and this is the fee structure. Like per month, it comes like that. And you can use my code, that's DSMBA, that'll give you 10% additional benefit. So if you make it more cost effective, when you talk about iConnect, iConnect has some difference, which has its own value. Again, here also, the code works. You can always enroll yourself in the batches. So Pragati and Vaishnavi and few more people who like Garima, tell me, mera ek course abhi is month ka I would like to start. Let me know. Next week only, I'm going to be starting. What exactly you want me to start? You asked me to start RCs. I did that. Ab kya chahiye mere ko Telegram pe? Kya to poll create kar lena aapas mein, bata dena kaise bhi. Theek hai? Done? Okay. Pragati ka okay aa gaya hai. Now, those who are looking for long term, this is the right time to go for 22 or 23. It gets you more offers. Cat iConnect, I've already told you about. This is more to do with the customized preparation, your planning, your strategy, and everything. Phir bheja noob kisi ne. Before I start off, I say Himanshu says that Unacademy hame aisa saath aur vishwas dene ke liye. Thank you, jo I am kal tak saath hu. Bilkul bilkul nibhaunga main to bilkul main to saath hu. Galti se touch Manu. Ha, chalo. So different types of passages we usually see. When we talk about different types of passages, we basically talk about different subjects. So what all subjects are there? Hi Ashutosh, good evening. कोई बात नहीं, थोड़ा लेट हो गया था, अभी तो हमने स्टार्ट ही नहीं किया बेटा, बस अब शुरू हो गया, बस पैसेज आने वाला है. सो जनरली वी सी देयर आर फाइव सब्जेक्ट्स. ओके, जनरली वी सी देयर आर फाइव सब्जेक्ट्स. लेट्स सॉल्व एंड फिगर आउट व्हाट्स इन द मेन्यू टुडे. आउट ऑफ दीज फाइव सब्जेक्ट्स, ठीक है, आउट ऑफ दीज फाइव सब्जेक्ट्स वी विल पिक अप वन टुडे. आफ्टर सॉल्विंग इट, I mean, once you start reading it only, you'll understand that what subject are we picking up today. And then based on that passage, we have questions. After that, we'll talk about the rest of the things. What do you guys say? Bolo. Jaldi se haan karo. Haan? Haan. So, aaj hum sare types discuss nahin karne wale. We'll just discuss one type. And few types we're going to be discussing tomorrow. Theek hai? चलिए, सो जनता रेडी है, गोली रेडी, स्ट्राइकर रेडी, वी गोना बी सॉल्विंग अ पैसेज टुगेदर. डन. नाउ जस्ट गिव मी अ सेकंड, हाउ वी गोना गो अबाउट इट दिस वे. ऑलराइट, ओके 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 ओके. सो वी विल सॉल्व अ प्रीवियस ईयर पैसेज. इट्स गोना बी मॉडरेट टू लॉन्गर पैसेज टाइप बेसिकली. सो मॉडरेट टू लॉन्ग, ओके, somewhere here. So it's going to have three slides. Okay, three slides. And once you've you know, done reading a particular slide, no, aisa nahi karte, we can do what? I can give you 2.5 minutes for every slide. Done. Will that make sense? So after 2.5 minutes, means 150 seconds, I'll automatically take you to the next slide. ठीक है, सो नो पूछना, नो कहना, नो डन. आपको पता है कि आपको अपना स्टॉप वॉच सामने रख लो. एवरी स्लाइड यू नीड टू रीड इन ओनली इन 150 seconds. डन, ठीक है, ओके. सो स्टॉप वॉच ऑन की जाए, स्टॉप वॉच ऑन की जाए. ये आ गई स्टॉप वॉच, ये हो गया रीसेट, और ये हो गया आपका पैसेज. 5 4 3 2 1 गो.
Adhya, you've just joined. We've just begun the reading the passage. You'll be getting now 1 minute to read this slide. We'll move ahead then. Okay, so no hi, no hello. Just start reading the first slide. You will get only 1 minute now. All right, next slide. This is the second slide. Go ahead. Pushpendra, you were late. We just started reading the passage. This is the second slide. All right, done. Thank you. Next, the last one. 2 minutes for this.
20 more seconds. All right, done. So reading the passage is over. So now, by now, you know that it's a science-based passage, okay? Without wasting time, I would like to give you questions. You just try out these questions first. First question on your screen, guys, go ahead. I'll give you the poll, don't worry. Wait for the poll. आराम से रिजेक्ट करके ऑप्शंस को तब देन गो फॉर इट. ओके, वेरी गुड. ध्रुव, करण, वैष्णवी, संचित, मंथन, कृतिका, प्राची, प्रिंस, बूलो, वुड. यू नीड टू टेल मी योर नेम ओनली देन आई विल टेक. सोहेल, कुमारी, हिमांशु, मीनाक्षी, आकांक्षा, मेघ, विवेक. नाइस. 40% पीपल आर गेटिंग द राइट आंसर एंड 30% ऑब्वियसली आर गेटिंग वन रॉन्ग आंसर विच इज द क्लोजेस्ट वन. बट वाई वाई? देखो, अगर आपको अभी भी ये लगता है, अगर आप ए को सोच सकते हो आंसर आफ्टर रीडिंग द पैसेज, आई नो आपने जिसने भी थर्ड और फोर्थ किया वो मुझे पता नहीं क्यों किया है, कैसे किया है. यार, हु इज सेंडिंग दिस नूब? डोंट इरिटेट मी गाइस, प्लीज डोंट सेंड मी दिस नूब. यू नीड टू आस्क मी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी. इन द पैसेज द डार्क एज रेफर्स टू, ये दोनों तो पता नहीं किसने क्यों करें, मुझे नहीं पता. बट फर्स्ट एंड सेकेंड, ओके, सो द पीरियड व्हेन द यूनिवर्स बिकेम कोल्ड आफ्टर द बिग बैंग. भाई डायरेक्ट थोड़ी है, डार्क एज का मतलब क्या है? डार्क एज में दोनों रीजन से डार्क एज उसने बताया था ना वहां पे. चलो डिस्कस बाद में करेंगे अब, अगर ऐसा है तो. अभी पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और, ठीक है? सो 70-80% स्टूडेंट्स का ठीक होना चाहिए था. फर्स्ट बिट बहुत डायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं होता है. यूनिवर्स बिकेम कोल्ड, इट बिकेम डार्क. डार्क एज नॉट बिकॉज ओनली डार्क, देयर वाज वन मोर रीजन दैट इट वाज डार्क दैट वी डिडंट नो अबाउट दिस. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. बात करते हैं किशला एक बार. संचित, ध्रुव, स्पर्श, करण, आशुतोष, कृतिका, गरिमा, वैष्णवी, प्रिंस, विवेक, आकांक्षा, हिमांशु, अनुराग, मीनाक्षी. वेरी गुड. द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग द राइट आंसर, ऑनेस्टली आई एक्सपेक्टेड मोर. नाउ आई टेल यू वेयर डिड यू एक्चुअली लूज, आई टेल यू लेटर. हर्षा, गुड गुड, कूल, नाइस. Nice. Our leaderboard says, wow. Like, this is wow. Okay. 10 people are getting 10. 2-on-2. Nice. Kishle, direct. Chal, apan baat karenge, na? Ek bar baat karte hain us baare mein. Okay. Chalo. Third question on your screen. संचित, करण, ध्रुव, गरिमा, प्रिंस, प्राची, प्रियांशी, आकांक्षा,
Aniket, Anki, Vivek. Meenakshi. Sohel, nice. Tejas, Harsha, wow. Himanshu, Meg, nice, nice. Cool. Our leaderboard now say 8 people are getting 3-on-3. Cool. Where did you lose? I don't know. ये वाला question गलत होने का था नहीं बेटा. चलो, okay. Fourth question number 4. अरुण शुभम मोहित बेटा लेट ज्वाइन करते हो तो फिर आरसी वाला सेशन कैसे हो पाएगा बताओ. नाइस नाइस वेरी गुड वेरी गुड. 80% पीपल आर गेटिंग द राइट आंसर. संचित हिमांशु करण मनु ध्रुव विवेक आकांक्षा गरिमा कृतिका आस्था कुमारी मंथन प्रिंस स्पर्श वैष्णवी स्वप्निल प्रगति आशुतोष सलोनी अनिकेत हर्षा. गुड 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 गुड. टेक टाइम बट ट्राई एंड गो फॉर द राइट वन. Rachi, Preeti, 60% people are getting the right answer. See, those who join late, especially the RC classes, now what do I do? We've already read the paragraph, read the passage and everything. You guys need to be on time, beta. Vivek, good, good, good. More than 50% people are getting it right. That's nice. And our leaderboard says, now 6 people are getting 4-on-4. So ye passage it was CAT 2001. Hanji. Casters throw light on cosmic dark age. This was the passage all about. Hanji. Haath upar karke last mein khada kar dun. Bilkul khada karna hoga. Haan, Arun, Shubham, Mohit, Nisar, aap log beta Vivek, Preeti, time pe start kiya karo. Agar RC wala session hai, to aisa nahi se, I cannot give you a new question now. I have to give you 10 minutes to read the paragraph, the passage, and then you solve questions. So that's how it is. You know, the entire session is like that. Okay? Chaliye, sabse pehle to mujhe ab ye batao. Science ka passage tha. Kitne logon ne science ka passage discover karte hi, 5 line ke baad hi, apna mind jo hai na, jis focus se wo usually use hota hai, us focus ko 50% apne ab diminish ho gaya wo. Kitne logon ke saath aisa hota hai, ye science ka, they, jaise hi, the moment you look at the science passage, and it, you know, the mindset is such, the block is such that it tells you, yaar, abhi to science wala gaya, abhi mushkil aa gayi, mere ko nahi achha lag raha, ye star, galaxy, astronomer, kya ho rahi hai? ऐसे हाथ ऊपर करके नहीं, you need to comment. आप emoji use करते हो ना, तो पता नहीं लगता है मुझे बेटा कि किसने emoji use किया है. वो देखी आपने अपनी धोनी की biopic देखी आपने? Did you watch this film? अभी प्रगति का सबसे पहले मैसेज नहीं आया. अरे अच्छा. So when they lose a particular match in Ranji Trophy, you know, the character, the, you know, Mahendra Singh Dhoni's character, it says कि हम लोग मैदान पे नहीं हारे, हम लोग फील्ड में नहीं हारे, है ना? रुक जा किसले, बात करते हैं. हाँ, वो कहते हैं कि हम फील्ड पे नहीं हारे, हम मैच तो एक रात पहले ही हार गए थे, क्योंकि हमारा माइंडसेट ऐसा हो गया था, हमने युवराज सिंह को देखा एंड वी ऑलरेडी, हाँ हम लोग, हमने पहले हार मान ली थी, हार तो हम पहले ही गए थे, फील्ड पे मैच पे तो सिर्फ उसका रिजल्ट आया था. So, you know, that kind of a mindset we guys have. Yes, that kind of a mindset we have. Abhi, see, I did not bring in, you know, this passage just like that. It's a CAT passage. You just solved it. Usually, kya hota hai science ke passages ke saath? Pehle is passage ko discuss karte hain, phir science ke passages kaise karne chahiye uske liye kya hai, phir wo baad mein discuss karenge. Kya bolti public? Chale. Is passage mein discuss karne ka kuch hai nahi. Because, dekho, ek baat aapne realize ki, jaise hi hum
साइंस का पैसेज उठाते हैं, दिस इज मोर ऑफ डिस्क्रिप्टिव, यस और नो, बस हाँ या ना बोलो, छोटी छोटी। देखो क्वालिटेटिव स्टडी होती है आरसी में, आरसी में कभी भी क्वांटिटेटिव स्टडी नहीं होती, सब कुछ तो आता है, आपको रीड करना है, क्वेश्चन है, आपको आंसर देने, यही तो है ना। तो यूजुअली डिस्क्रिप्टिव पैसेज होता है, ठीक है, इसमें बस गलत नहीं समझना होता, इसमें बहुत ज्यादा मेन आइडिया नहीं होता, इसमें बहुत ज्यादा नेचर ऑफ द पैसेज नहीं होता, ठीक है, इट्स मोर ऑफ। अब इसमें क्या करोगे, मॉडर्न साइंटिफिक स्टोरी, लाइट वॉज क्रिएटेड नॉट वंस बट ट्वाइस, हमें ऑलरेडी पता है कि वी नीड टू रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू द पैसेज, तो मैं ये थोड़ी कहूंगा कि नहीं दो बार का मतलब क्या है क्या नहीं है। बहुत बेसिक से कुछ चीजें होती है, जैसे डार्क एज की बात करें किश्ले, कोई बात नहीं गलत हो गए, दैट्स एब्सोल्युटली ओके, बट इधर आओ देखो, सर मार्टिन रीस, ब्रिटेन्स एस्ट्रोनॉमर रॉयल, नेम्ड द लॉन्ग इंटरवल बिटवीन दीज टू एनलाइटनमेंट्स द कॉस्मिक डार्क एज। The name describes not only the poor lit conditions, but also the ignorance of astronomers about that period. अपने को पता नहीं था उस बारे में। If the passage had been in front of me, I know, तूने late join किया ना मंथन। Yeah, अच्छा, you talking about going back? हाँ? ये तो एक restriction है अपने पास, अगर हम इनमें, you know, when we attend these classes, ऐसे app पे, so we cannot go back because of poll. अब उसका तरीका कुछ अपने को निकालना पड़ेगा, but आप एक काम कर सकते हो, that while reading you can take screenshots. You can take screenshots, minimize it, read it again, you know, while solving it. हाँ, वो भी कर सकते हो, फोन और लैपटॉप से भी कर सकते हो, अदरवाइज लैपटॉप पे भी यू कैन कीप टेकिंग स्क्रीनशॉट्स ऑफ द स्लाइड, कीप इट, हाँ पिक क्लिक कर लो, हाँ पेन एंड पेपर तो हिमांशु बहुत सारे नोट्स बनाने पड़ जाएंगे ना, पता नहीं लगेगा। सो अभी देखो साइंस का पैसेज था, मैं क्या बोल रहा हूं अभी कि एक तो मेन आइडिया, नेचर ऑफ पैसेज, ये बहुत सारा नहीं देख सकते अपन। वैष्णवी, आई कैन टेक यू गाइज बैक 10-15 seconds, बट वो 10-15 seconds सबके अलग अलग होते हैं, हो सकता है तेरा काम 10 सेकंड में हो जाए, हो सकता है हिमांशु को 20 सेकंड चाहिए और वाइस वर्सा, फिर मुश्किल हो जाएगा, राइट, बस इसलिए। अगर इस पैसेज में आपको पीछे जाने को मिलता तो आप में से सबकी एक्यूरेसी बेटर होती, दिस इज सेकंड थिंग, ओके। सो द फर्स्ट थिंग इज द माइंडसेट, द मोमेंट आई लुक एट सर्टेन टर्म्स, जार्गन्स, टेक्निकल टर्म्स, साइंस, माइंडसेट, द माइंड टेल्स यू छोड़ दे यार, समझ में नहीं आ रहा, बार बार समझने से पहले आपका माइंड आपको बताता है आपको समझ में नहीं आ रहा। सेकंड, यू मस्ट हैव फिगर्ड आउट दैट द क्वेश्चंस वर फैक्चुअल एंड द क्वेश्चंस वर इजी, इफ यू वर अलाउड टू गो बैक यू कुड हैव इजीली फिगर्ड दैट आउट, राइट। आई ऑलवेज टेल यू दैट पैसेज हैज गॉट टू थिंग्स, वन इज द आइडिया एंड द अदर इज डिटेल्स, सो वी कैन ऑलवेज, वी नो कि यार ये यहां पर चीजें देख रखी है, सो वी कैन ऑलवेज गो बैक, रीड, कम बैक एंड। तो यहां अप्रोच कौन सी चलती है व्हेन यू टॉक अबाउट साइंस पैसेजेस, पी क्यू, ठीक है। डिस्कशन ऑन के पहले क्वेश्चन पढ़ लें, वो डिस्कशन मैं करता नहीं हूँ, मैंने आपको छोड़ रखा है आपके ऊपर, आपको ठीक लगता है तो करो, मैं नहीं फॉलो करता बिकॉज फिर मैं रीड नहीं कर पाता पैसेज को, ठीक है। सो अगर हम जा सकते होते तो थोड़ी सी चीजें आसान हो जाती, राइट, नंबर वन। नंबर टू, अब इनमें क्वेश्चन डिस्कस करने के मेरे पास कुछ भी नहीं है बिकॉज सारी चीजें इसमें दी हुई है। मैं थोड़ा सा अगर मैं देखूं तो जो कासर्स हैं, कासर्स के लिए पॉजिटिव है, आपका जो ऑथर है ना उसने कासर्स को एक थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई है इस पूरी डिस्कवरी में, कासर ने एक अच्छा रोल प्ले किया है, यस और नो, इस ये बात समझ में आई आपको पढ़ के? अगर ये इस पे भी आपका ध्यान गया सो यू मूविंग अहेड, ठीक है। तो बाकी इसमें और कुछ नहीं था, अगर आपको कुछ भी और पर्सनली लगता है मुझे बताओ कि जैसे कि नहीं सर ये ऑप्शन के अलावा ये ऑप्शन भी क्लोज है, कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा जिसमें अगर आपने एक बार ठीक से रीडिंग कर लिया हो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या डिस्कशन करने का है बताओ, इन द पैसेज द डार्क एज रेफर्स टू, हमें पता है कि डार्क एज दो चीजों से डार्क थी, एक तो लिट नहीं था और दूसरा हमें नॉलेज नहीं थी। अब अपने पास ऑप्शंस आते हैं, द फर्स्ट इज द पीरियड व्हेन द यूनिवर्स बिकेम कोल्ड आफ्टर द बिग बैंग, चल आजा पढ़, in the modern scientific story light was created not only once but twice, the first time was in the big bang when the universe began its existence as a glowing expanding fireball which cooled off into darkness after a few million years ago. I know kishle, I know, ha, so dark age jab aayi us samay jo fireball tha wo cool ho gaya, but is that the reason usko dark age bola hai apan ne, tell me, kisne question pucha tha, manu ne, ha nahi na, to phir ये तो स्ट्रेट हो गया ना। नाउ अ पीरियड इन विच एस्ट्रोनॉमर्स नो वेरी लिटिल, इसने कहा ना दो रीजन थे, एक तो लिट नहीं थी और दूसरा अपने पास नॉलेज नहीं थी, दोनों एक ही तो बात है यार, रोशनी और नॉलेज एक ही तो बात होती है, एग्जैक्टली।
क्लियर, डन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं किशले, गलत होने से माइंड को लूज नहीं करना है, यही तो सारी लड़ाई है, माइंड। ओके अब बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम? ऑल फोर क्वेश्चंस आर फैक्चुअल, ऑल फोर क्वेश्चंस आर फैक्चुअल एंड इजी। कांट वी से दैट दे वर वेरी इजी क्वेश्चंस? यू मीन टू से A-E-O-N, A-O-N होता क्या है? हाँ बोलो 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 यार। अच्छा चल बता मेरे को, कोई बात नहीं, देखो A-O-N पता है नहीं पता है, लेकिन एट द सेम टाइम उससे अपना आंसर मिलने में मुश्किल हुई क्या? यू टेल मी, उससे आंसर मिलने में तो मुश्किल नहीं हुई ना? दैट्स द क्वेश्चन आई एम आस्किंग। बस अब एक सेकंड, कहाँ था वो, कौन से क्वेश्चन में है, कौन से क्वेश्चन में था अपना ये ऑन टू? ओके हाँ, एस्ट्रोनॉमर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्टडी द डार्क एज बिकॉज सूटेबल टेलीस्कोप्स आर फ्यू, द एसोसिएटेड इवेंट्स टू प्लेस। हाँ भाई, उसने कहा ना वो 13 बिलियन ईयर्स वाला कुछ इशू था, लाइट ईयर्स वाला, 13 बिलियन लाइट ईयर्स वाला इशू था टेलीस्कोप का, तो था भाई ये अपने पास पॉसिबल नहीं थे, बिकॉज द एसोसिएटेड इवेंट्स टुक प्लेस एओन्स। एओन्स होता है नॉट लॉन्ग, लाइक वेरी लॉन्ग। एक पैसेज और करा दूं? ठीक है, अभी नहीं करा पाऊंगा, अभी नहीं करा पाऊंगा, बिकॉज मैंने नहीं सोचा था आप इतनी जल्दी सारे क्वेश्चंस कर लोगे। मैंने तो आई डिड नॉट इवन सॉल्व क्वेश्चन, मैं तो आपके साथ ही करता हूं अभी। हाँ सो अभी नहीं कराऊंगा, कल करा दूंगा सुबह, कल कल 1 o'clock वाले सेशन में एक और सब्जेक्ट का कराऊंगा, आज साइंस का था। सो लेट अस टॉक अबाउट फ्यू थिंग्स। ओके एक काम करते हैं, कुछ कुछ बात करते हैं, कुछ कुछ बात करते हैं पहले साइंस के पैसेज के बारे में कि कैसे करें। नाउ लेट्स हैव सम इनसाइट्स फॉर साइंस बेस्ड पैसेजेस। नाउ बिफोर दैट लेट मी टेल यू गाइस, अगर आप बग्स बाउंटी, अगर यू नो यू ट्राई एंड बी दैट, सो व्हाट यू नीड टू डू, स्पेशल क्लासेस में या यूट्यूब पे अनअकैडमी का कोई भी सेशन होता है, देयर आर डिफरेंट यू नो पीपल हु आर टेकिंग सेशंस एंड एवरीथिंग, एनीथिंग इन अप्रोप्रिएट एनी कंटेंट, सो दिस इज यू नो टुगेदर दिस इज आवर रिस्पांसिबिलिटी। ओके हाँ, सो ऑलवेज रिपोर्ट दैट एंड बी द फर्स्ट वन। आई स्टिल वुड से दैट यू नो प्राइस इज अ स्मॉलर थिंग, बट बिगर मोटिवेशन इज यू शुड ऑलवेज टेक गार्ड राइट एंड टेक स्टैंड ऑल्सो अगेंस्ट एनीथिंग इन अप्रोप्रिएट। The scholarship test, Unacademy Combat, happens on every Sunday. This Sunday also. Today is what, Tuesday अभी तो, but still, I'll remind you guys about this that you need to take Unacademy CAT, I mean the CAT Combat on every Sunday 12 p.m. This is the your you know अच्छा हाँ अच्छा रक्षाबंधन ठीक है, ये तो आपको scholarship you know details हैं। Apart from this, my reason always I say that you know go for assessment, जितना हो सके अपना assessment करो, कहाँ पहुँचे कहाँ नहीं पहुँचे। And you can use my code DustGSMBA to unlock your Unacademy combat. चलिए, so science based passages में अपन किस चीज पे ध्यान देते हैं उस पे बात करते हैं। सबसे पहले तो subjects that belong to science, अब उसमें क्या होता है, biology session passage हो सकते हैं, chemistry हो सकता है, medicine usually आपको दिख जाएगा, technology होगा, mathematics होगा, ये सारे passages हो सकते हैं। Now, in passages, when you try and you know read them, we usually figure out that they have a lot of facts. And yes, the problem is they appear really boring. ठीक है? इस सेशन के बाद तो लग रहा है कि माइनस में स्कोर आएगा किशले, अगर एक सेशन के बाद तेरे को ये लग सकता है ना, देन यू शुड नॉट प्रिपेयर फॉर कैट। IIMs do not require those students, those kind of people who एक session के बाद जिनको ये लग सकता है, kindly work on your mindset. You are a amazing student, you are an amazing student Kishle, but अपने अपने खुद की मेहनत को अपने माइंड से हारो मत, मैच होने से पहले मत हारो। ये गलत बात है, नहीं 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 ये मजाक नहीं है, this is not right. You are a good student, don't, हाँ नहीं, this is absolutely wrong. Then you don't deserve only if one session can make you feel that, if one passage can make you feel that. किस कैसे लेगा challenges? कल को खुद का startup करेगा, कल को कहीं you know अच्छी सी position पे होगा। MBA तुम लोग job के लिए नहीं कर रहे हो, you don't,
Please don't forget that MBA, you are going ahead for MBA because you want to be, you're going to be future leaders. Leadership positions ke liye aap MBA kar rahe hain, chahe khud ki company ho, chahe koi aur company ho. लीडरशिप पोजीशंस चाहिए आपको, एग्जीक्यूटिव पोजीशंस थोड़ी चाहिए. एग्जीक्यूटिव्स का काम होता है ये, दुखी होना, परेशान हुआ सर, सेल नहीं हुई सर, सॉफ्टवेयर नहीं बना सर, सर ऐसा मेल आ गया सर, प्रॉब्लम हो गई सर, वो बनना है फिर. चलो आ जा, शाबाश. सो सब्जेक्ट्स दैट बिलोंग टू साइंस ये वाले हो गए. ये अपने को सबको पता है कि फैक्ट्स ज्यादा होते हैं और ये बोरिंग लगते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है. Yes, exactly. To become decision makers, not decision followers. Very good, Sparsh. Shabash. Now, do not get confused by their technical jargon and focus on the main ideas being presented by the author of the passage. Yes, यहाँ पर अपना क्या था? यहाँ पर Cassers को लेके वो positive था और उसके साथ में काफी सारे details थी. कुछ dark age क्या है, फिर astronomers ने क्या feel किया, stars हुए, ये हुआ, वो हुआ. They are direct. Yes, क्या पूछेंगे तो और बेटा? फिलोसफी और एब्स्ट्रैक्ट पैसेजेस होते हैं जहां पर एक्चुअली आपको क्रिटिकल रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस आते हैं. सो साइंस बेस्ड डायरेक्ट ही होते हैं, फैक्चुअल होते हैं, उनको बस एक बार पूरा ऐसे ऐसे पढ़ना होता है. देखो ऐसे 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 पढ़ते जाओ, जहां जहां प्रॉब्लम, जहां जहां कुछ दिखे उनको अंडरलाइन करो, मार्क करो, सर्कल बनाओ, जो समझ में नहीं आया क्वेश्चन मार्क बनाओ, स्टार बनाओ और पढ़ते चलो, पढ़ते चलो, पढ़ते चलो. यू शुड रीड द इंटायर पैसेज ढंग से एक बार फोकस करके, और कुछ नहीं तो ये पता हो कि कौन सी चीज कहां पे लिखी हुई है, सो दैट वी कैन गो बैक. ठीक है. Most of the time, questions asked from these type of passages are easy to understand and answer. इसमें से कोई भी question difficult to understand था क्या? कोई भी नहीं था ना? ठीक है ना? बस तो फिर. Now, if you find such passages complex to follow, आप एक काम करो. देखो, RC क्या है? RC एक effect है ना? RC तो effect है. RC में score करना output है. उसका input RC solve करना नहीं है. Students क्या करते हैं? एक तो गलत चीज सिखाई जाती है कि पैसेज बेटा तुम ना आरसी की प्रैक्टिस करो. अरे आरसी की प्रैक्टिस कैसे करूं? पैसेज सॉल्व करके प्रैक्टिस करोगे क्या? डम हो? नहीं. आरसी में स्कोर आना आउटपुट है, उसका इनपुट आरसी थोड़ी सॉल्व करना है, उसका इनपुट है रीडिंग. सो आज से, जैसे मान लो कल प्रियांशी ने कहा कि मुझे पॉलिटी में मुश्किल आती है, राइट प्रियांशी? है ना? आज किशले को लगता है कि सर नहीं यार साइंस वाले नहीं, सर गलत हो जाते हैं, सर मैं मजा नहीं आता. जैसे मुझसे पूछोगे तो मुझे जितना एब्स्ट्रैक्ट पैसेज होगा ना, जितना फिलोसफी वाला पैसेज होगा, जितना यूं झिलाऊ पैसेज होगा, मुझे अच्छा लगता है. क्योंकि उनके क्वेश्चंस क्या होते हैं? मेन आइडिया ड्रिवन होते हैं. एक कहानी पकड़ ली ना अपने 10 शब्दों में, बाकी सारे हो जाएंगे. ठीक है. वेरी गुड. सो लेंसेंट बेस्ट है. एग्जैक्टली लेंसेंट का कर सकते हो. बिल्कुल 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 बिल्कुल. सो कुछ नहीं करना, डेली का एक आर्टिकल आराम से पढ़ो. वन आर्टिकल. आई गेव वन आइडिया टू प्रगति एंड वैष्णवी, दीज पीपल इन द प्लस बैच. मैं एक सेम आइडिया आप लोग को देता हूँ. आप लोग अपने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पे हो, एक वॉलंटियरली एक ग्रुप बना लो. ठीक है. अलग अलग वीक, अभी अपने पास 4-5 वीक तो हैं, अभी तो बहुत टाइम है. हर वीक में एक टॉपिक डिसाइड कर लो. फॉर एग्जाम्पल साइंस डिसाइड कर लिया. अब 5 लोग अगर ग्रुप में है तो 5 लोग अलग अलग अपना आर्टिकल उठाओ, उस आर्टिकल पे खुद क्वेश्चन बनाओ. पढ़ने के बाद अगर आप ऑथर होते, अगर आप एग्जामिनर होते तो क्या क्वेश्चन बनाते? साइंस बेस्ड क्वेश्चन बनाओ. रेडी हो गया आपका पैसेज खुद का. अब 5 लोग आपस में उसको शेयर कर लो. ठीक है ना? उसके बाद हैव योर डिस्कशन. जैसे मान लो मैं हूं और आप 5 लोग हो. फॉर एग्जांपल वी 6 आर देयर एंड इफ आई पिक अप एन आर्टिकल एंड मैंने उस पे 4 क्वेश्चन बनाए और आपको दे दिया सबको, आपने मुझसे उसको जब व्हेनेवर वी आर डिस्कसिंग आफ्टर 2 डेज, आफ्टर 3 डेज, so I am your invigilator, I am your examiner. मैं आपको answers बताऊंगा कि क्यों मैंने कौन से answers रखे, and then we can have a discussion. So that's how these 6 people can present their own RCs exchanged and then come back together and discuss all these 6 passages. It will give you rocket, एकदम you know rocket understanding आएगी आपकी. Examiner का mindset पढ़ने लग जाओगे, आपके कैसे question बन सकते हैं. That's one thing. If you can try, if you actually can do it, go ahead. Next week you can pick up polity passages. Next, the third week you can pick up philosophy passages. और passage क्या करना है? आपको तो read करना है, article खुद उठाना है और 4 question बनाने हैं उसके ऊपर. फिर देखो, आपको पढ़ते पढ़ते समझ में आने लग जाएगा passage क्या, क्या पूछेगा author इस पे से ज़्यादा ये पूछेगा, सब और क्या पूछ लेगा. You'll start understanding that. What do you say? बोलो हाँ या ना. बोलो बोलो, कहाँ गए? है नहीं अच्छा तरीका? Even DILR and quants में भी कर सकते हो. Exactly, exactly.
देखो, हमला सामने वाले की दिमाग पर किया जाता है, फील्ड पे गोल अपने आप हो जाता है। तो जो जो खेलोगे ना जाके, जब कैट दोगे तो वो फील्ड है, उसमें कौन है, इसमें एग्जामिनर है, कहीं बैठा हुआ कोई पैसेज ला रहा है, उस पर क्वेश्चन बना रहा है। अरे यार, किसी में इतना दम है कि वो पैसेज ला के उस पर क्वेश्चन बना दे, अपन क्रैक नहीं कर सकते क्या? चलो मैन टू मैन मार्किंग करते हैं, उठाते हैं, अलग अलग वीक में अलग अलग एक सब्जेक्ट उठाओ, 4 5 10 स्टूडेंट जो भी सेम वेवलेंथ पे सेम फ्रिक्वेंसी मैच करते हो, आपस में शेयर करो कि ठीक है आफ्टर 3 डेज मिलते हैं और अपने अपने पैसेजेस बांट दो एक दूसरे को। मैं स्पर्श हूं, मैंने बाकी 6 लोगों को दे दिया, अब बाकी लोग आंसर करो, पढ़ लो आराम से 10 मिनट आंसर करो, फिर मैं बताऊंगा आंसर्स क्या होंगे। और हो सकता है मैं गलत हूँ, आपसे ये बहुत सारा डिस्कशन हो जाएगा और उस पर अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। बस यही तो चाहिए अपने को, और आई क्यों थे अपन दुनिया में, इसलिए तो आए हैं, है ना। चलो, इसका एक ही तरीका है, रीडिंग और जो मैंने अभी बताया वो। क्या कर सकते हो, वेबसाइट्स लाइक द हिंदू, गार्जियन, वॉशिंगटन पोस्ट, डिस्कवर, सफारी, साइंटिफिक इंडिया, एऑन केएसएस, उठाओ पढ़ो। 8 10 15 दिन में अगर रोज एक आर्टिकल पढ़ लोगे, आपका कंफर्ट बढ़ जाएगा। अभी तो पैसेज, अभी सबसे बड़ा लड़ाई किससे है, लड़ाई खुद से है। 3 लाइन पढ़ी साइंस का पैसेज, समझा कि साइंस है, ओ हो करके अपन साइड हो लेते हैं माइंड से, वहां तो कर रहे होते हैं पर माइंड नहीं होता उसमें। बोलो हाँ होता है, चले आगे। राइट, सो क्विक री इन्फोर्समेंट, क्विक री इन्फोर्समेंट क्या है, जो हमने कल पढ़ा था, व्हेन यू रीड द पैसेज यू डू नॉट नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। नंबर 2, व्हेन यू रीडिंग, यू नो, अब आपको पता है कि साइंस का पैसेज सामने है, आपको पता है कि आरसी सॉल्व कर रहा हूं मैं, 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, आई नो व्हाइल रीडिंग ओनली कि यार मेरे को सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स का ध्यान रखना है, क्योंकि 99% साइंस के पैसेज में से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। डिस्कवर योर रीजन फॉर रीडिंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो यू नॉट सपोज टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, यू नीड टू डिस्कवर योर रीजन फॉर रीडिंग। सेकेंडली, बी सेलेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू वॉट यू रीड। सो आज जिसको समझ में आया कि यार मेरे को साइंस से मुश्किल आती है, अगले 7 दिन 15 दिन, आई मीन 2 वीक्स, एटलीस्ट 1 आर्टिकल एवरी डे रीड एंड गेट योर सेल्फ कंफर्टेबल, राइट। मेक अ प्रेफरेंस ऑर्डर, आज हो सकता है सर मेरे को तो साइंस पॉलिटी सब में ही प्रॉब्लम है, ठीक है यार कोई बात नहीं, अब आए हैं तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ है, सारी किताबें नहीं पढ़ी जा सकती कि पॉलिटिक्स की किताब पढ़ू, अच्छा है ना आर्टिकल्स पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो, नॉलेज चाहिए बेसिकली, राइट। नॉलेज आएगी, इंटरेस्ट आएगा, अपने आप समझ में आने लग जाएगा। द मोर योर आईज एंड योर माइंड विल कम गेट कंफर्टेबल विद सर्टेन टर्म्स, इट बी ओके, ठीक है। अपनाना पड़ेगा रीडिंग को, ठीक है, रीडिंग को अपनाना पड़ेगा आपको, एक ये मानना पड़ेगा कि एक स्किल है, एंड द मोमेंट आई कॉल इट अ स्किल इट कैन बी डेवलप्ड मोर एंड डू रीच द फिनिश लाइन। आप में से जितने लोगों ने अभी ये महसूस किया होगा कि ओ यार फिर साइंस का पैसेज, फिर मुश्किल, नहीं करना, लेकिन जो लगे रहे, जिन्होंने 3 पेज ठीक से पढ़े, उनके 4 में से 4 तो किसी के भी गलत नहीं हुए होंगे, आई कैन गिव यू इन राइटिंग। सो एक पैसेज को सॉल्व करते हुए बीच में छोड़ देना, पैसेज सॉल्व ना करना, एक भी नहीं होना, ठीक है, लेकिन एक भी अगर हो रहा है सही, आगे तो बढ़े हम। जंग अभी है बाकी और मैं अभी हारा नहीं हूं, है ना, ये वाली फीलिंग के साथ ये तो करना ही पड़ेगा, मतलब इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। ओनली वन थिंग कैन मेक यू बेटर एट रीडिंग, दैट इज रीडिंग मोर। क्या बोलती पब्लिक? बोलो बोलो, क्या बोलती पब्लिक, मानती नहीं मानती बात ये? चलिए ठीक है, सो आज का सेशन यहां पर ओवर करते हैं, और कल 1 PM अपन एक और सब्जेक्ट उठाएंगे, कल 1 PM हम डिफरेंट सब्जेक्ट उठाएंगे। और एक बात, डे आफ्टर टुमारो, कल विल नॉट हैव दिस क्लास, कल विल नॉट हैव स्पेशल क्लास, कल विल हैव 1 PM वाला क्लास। डे आफ्टर टुमारो लेट्स हैव आरसी प्लस फ्यू पैरा बेस्ड क्वेश्चंस टुगेदर, लेट्स हैव 90 मिनट सेशन इन विच लेट्स डू अ लॉट ऑफ, यू नो, थोड़ा डीपर एनालिसिस करते हैं, लेट्स से लेट्स पिक अप सम 7 8 क्वेश्चंस मिक्स्ड बैक पैरा बेस्ड एंड 1 or 2 RCs। सेक्शनल में तो ग्रामर वगैरह सब लेता हूं मैं, थोड़ा सेक्शनल की तरह नहीं, थोड़ा सा इसको कुछ करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, सो बिफोर वी साइन ऑफ लेट मी जस्ट रिमाइंड यू गाइस, रीइंफोर्स दैट यू पिक अप, यू कैन पिक अप योर स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन स्टिल यू हैव टाइम, एंड देन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 22 और समथिंग, गो अहेड पिक अप योर सब्सक्रिप्शन,
plus or Iconic. This is the fee structure. When you go for long term, it will make more sense. This is the code you can use for 10% additional benefit. This is the way to pick up your subscription. Step one, two, step three. One is go get subscription, choose GAT, and then pick up plus. Do not forget to use the referral code, that is DSMBA, to ensure that you must get your 10% off. So stay tuned with our revision batch. Kal ka session bahut important rahega, 1 p.m. We'll pick up one more subject. Kal dekhte hain, kal kya subject uthate hain. Theek hai? नहीं, कल मैं काम करूंगा. मैं सब्जेक्ट तो कोई सा भी एक उठाऊंगा, लेकिन मैं आपको कल सारे सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस करवा दूंगा. डन? यस, आई विल गेट इंट्रोड्यूस टू ऑल द सब्जेक्ट्स टुमारो. चलो, थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स अ लॉट. बाय तानिया, बाय स्वप्निल, बाय प्रगति, सी यू किशले. और माइंड को सेट रखना है, ठीक है? माइंड सेट, माइंड को स्टेबल रखेंगे, स्ट्रॉन्ग रखेंगे, ऐसा लोहा रखेंगे अंदर, है ना? थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, बाय. नो नो नीड टू बी सॉरी किशले, नो नीड टू बी सॉरी. द सी व्हाट डायलॉग वी हैव विद आवर सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट किशले. व्हाट डायलॉग वी हैव विद आवर ओन सेल्फ, जो आप अपने माइंड को बताओगे ना वो सच है. हाँ, जो भी आप अपने माइंड को बताओगे उसे वही सच लगेगा. सो आपको देखना है कि आप उसे क्या बताते हो. इसलिए व्हाटएवर द स्टोरी यू टेल योर ओन ब्रेन, व्हाटएवर द स्टोरी यू टेल योर ओन माइंड, नॉट ब्रेन, सॉरी, ब्रेन तो क्या फिजिकल स्ट्रक्चर हो गया. व्हाटएवर द स्टोरी यू टेल योर ओन माइंड, वही सच है. अगर आपको लगता है मेरा कुछ नहीं हो सकता, वो भी सच है. अगर आपको लगता है कि मैं सब कुछ हो सकता है, यूं आसमान फाड़ने वाला हूं मैं, वो भी सच है. सो याद रखना, ठीक है? चलो, बाय.